नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ केसरी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सीडिंग नॉकआउट टूर्नामेंट में सीडिंग का मेथड कैसे लगाया जाता है और उसका फिक्सर कैसे भरा जाता है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। और मेरा साथ दे रहे नित्यानंद पाठक इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीडिंग, सीडिंग देते क्यों हैं। सीडिंग इज़ द एक्स्ट्रा प्रिविलेज विच इज़ प्रोवाइड टू द स्ट्रॉन्ग टीम्स और प्लेयर्स इन दिस टूर्नामेंट। द टीम हु विल गेट सीडिंग दे डू नॉट प्ले इनिशियल राउंड, दे ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल एंड द सेमीफाइनल राउंड। सो इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें मैंने बताया था नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में और नॉकआउट में बाई देना बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा उसके आगे सीडिंग। देखो दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सीडिंग में बहुत ज़्यादा वो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि सीडिंग में जो उन्होंने सीट और बाई दोनों एक साथ देते हैं उसमें गलतियाँ क्या होती है। अगर वैसे क्वेश्चन होंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि 30 टीमों में 4 टीम को सीड करना है, अगर उस मेथड से आप लगाएंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप सीड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको एकदम सही मेथड बताऊंगा और कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए हमको सबसे पहले टीम लेना होगा, तो मैंने टीम जैसे ले लिया 17 और आपसे बोला है 17 टीम में से 4 टीम को सीड करना है। तो सीडिंग के लिए सबसे पहले मैंने उसमें बताया था आपको कि सबसे पहले किया क्या जाता है, अरेंज टोटल नंबर ऑफ टीम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दो हाफ में डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने उससे पहले बताया था आपको कि डिवाइड करने का फार्मूला क्या है, डिवाइड इनटू टू हाफ का फार्मूला है, अपर हाफ में कितनी टीम होगी एन प्लस वन अपॉन टू और लोअर हाफ में कितनी टीम होगी इसको जानने के लिए एन माइनस वन अपॉन टू। ये टीम डिवाइड करने का, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम्स हो जाएगा। और जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन में 4 सीट को टीम करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो टीम इसको दो हाफ में डिवाइड करेंगे टीमों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, तो यहाँ पे 9 के बाद से और इसमें आ जाएगा 8, यानी अपर हाफ में 9 टीम होनी चाहिए और लोअर हाफ में 8 टीम होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा जो मेथड बोलता है सीड देने के लिए, तो कितनी टीमों को सीड के लिए बोल रहा है, 4 टीमों को। तो हम सबसे पहला सीड स्टार्ट करते हैं, सीड 1, सीड 2, सीड 3 एंड सीड 4। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, सीडों को हमने चार्ज, अब हमने इसके बाद हम देखेंगे क्या टूर्नामेंट में बाई लगेगा कि नहीं लगेगा। बस यहीं पे यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब इसने सीड बोला है तो मेरे पास टीम कितनी थी 17 और 4 को तो हमने सीड कर दिया, तो अब हम जब बाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो इन 4 को माइनस करके, यानी अब कितना हुआ मेरे पास 13 टीमें हुई। तो 13 टीम अब जो हम बाई का फॉर्मूला लगाएंगे, बस हमको यहीं पे ध्यान देना है। अगर आप दोस्तों इस हिसाब से चलेंगे तो कभी भी आपका टूर्नामेंट गड़बड़ नहीं होगा, फिक्सर कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो आपको मैंने बताया था कि आप किसी और दिमाग से चलेंगे तो वहाँ 30 टीम में अगर 4 टीम को सीड करने के लिए क्वेश्चन आ गया तो आप ज़रूर वहाँ फंस जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, तो 13 टीम हमारे पास है, तो 13 टीम के लिए मैंने बताया था बाई कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द टोटल नंबर ऑफ टीम, क्योंकि हमारे पास 13 टीम बचा क्योंकि 4 को तो बाई दे दी, सीट दे दिया हमने। तो अभी यहाँ पे आ जाए सब्ट्रैक्ट टोटल नंबर ऑफ टीम 13 माइनस 16, नेक्स्ट हाइएस्ट नंबर ऑफ पावर 2, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 3। अब यह 3 आया तो कितना अपर हाफ और कितना लोअर हाफ में देंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला जैसे मैंने बताया है कि बाई देने का फार्मूला एन बी माइनस वन अपॉन टू, ये अपर हाफ के लिए है, एन बी का मतलब नंबर ऑफ बाइक्स हो जाएगा, लोअर हाफ में कितना होगा एन बी प्लस वन अपॉन टू। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा नीचे 2 और ऊपर 1। तो इस तरह से हम बाई देते हैं, सबसे पहली बाई मैंने आपको बताया था बाई 1, बाई 2 एंड बाई 3, तीन बाई हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमारी टीम बची हुई है उनको हम ब्रैकेट कर देंगे। तो इस तरह से हम जब ब्रैकेट कर देंगे तो यहाँ पे 3, 5, 7, 12 और 14, ठीक है। बाई वालों को मैंने बताया था कि जैसे ही बाई इसको दिया जाता है वो टीम क्या करती है, पहले आगे राउंड में क्वालिफाई कर जाती है। तो यहाँ पे 2 वाला और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 16, तो हम क्या करेंगे 2 वर्सेस 3, 5, 7, 11, 12 और 14, 16। तो यहाँ पे निकालेंगे 2, यहाँ पे हो गया 5, एग्जांपल है आप कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 16। अब ये जो 4 टीमें आएंगी दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी उसने बोला सीड के लिए 4 टीमें बोला तो टूर्नामेंट में 4 टीमें बचनी चाहिए, अगर उसने बोला 2 टीमें सीड करना है सब वही फार्मूला है। बस आपको अब बस यह ध्यान देना है कि जब आप सीड देंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, इस टीमों को माइनस कर देंगे जितनी टीमों को आप सीड दे रहे हैं, और जब उसने बोला 2 टीमों को सीड करना है तो उसमें क्या करेंगे, जब पूरे टूर्नामेंट में 2 टीमें बचेंगी तब वो 2 टीमों को लाकर खिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने
चार को दिया था इसलिए मैं चार बचा, इसलिए मैं चार को ला रहा हूँ, वन नाइन टेन और यहाँ पे सेवनटीन, वन वर्सेस टू, इस तरह से वन नाइन टेन और सेवनटीन। सीडिंग दोस्तों स्ट्रांग टीम को दी जाती है, ठीक है, यह बात को आप ध्यान रखिएगा और उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस को दोगे, तो इस तरह से विनर निकल गया। और सेम नंबर ऑफ मैचेस को जानना है, नंबर ऑफ मैचेस इसको जानना है कि क्या आपका फिक्सर सही है गलत है, इसके लिए फार्मूला है एन माइनस वन, मतलब क्या हुआ यहाँ पे 17 माइनस वन इक्वल टू 16, अगर 16 ब्रैकेट है तो ये टूर्नामेंट सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। धन्यवाद।